So hello student, welcome back to our channel Basic Chemistry, and I am Anik Ghosh with you. So today this is our third consecutive video on chemical kinetics. So aaj hum kuch naya karne wale hain, kuch different type ka question karenge. Difficult nahi bolunga kyunki ye questions jo advanced ka question hai. So aaj hume ek naya essence milega chemical kinetics ka. But isse pehle jinhone mera first do video nahi dekha hai, please go and watch them first. The link is given on the description. बिकॉज अगर आप उसको पहले देखेंगे तो आपका आज का वीडियो के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा. ओके सो प्लीज वॉच देम फर्स्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टूडे वी आर गोना एंजॉय दिस केमिकल काइनेटिक्स क्लास. एंड इसके साथ साथ एडवांस के क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो हमारा लेफ्ट आउट हो चुका था, पहले ईयर्स में आ चुका है, मतलब रिसेंट ईयर्स में आया है, पर हमने पहले दो वीडियो में हमने नहीं सॉल्व किया था. ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे. सो प्लीज watch till the end. So hello everyone, welcome to the third part of chemical kinetics. And today hum log JEE advanced ka ek 2018 JEE advanced 2018 ka ek question se start karenge. Theek hai, ye question itna hi bada hai ki shayad yahan pe mujhe karne ka jagah hi nahi mila yahan pe. To is question mein bataya ja raha hai ki for a first order reaction from reaction diya gaya hai hame yahan pe A gas is converting itself into 2B gas and C gas at constant volume. ठीक है, volume constant रखा गया है. And 300 Kelvin temperature. The total pressure at the beginning when T is equals to 0 and at time T are P0 and PT. ठीक है, तो initial pressure P0 है और final pressure PT है. Initially only A is present with concentration A0. मतलब जब T0 है, T equals to 0 है, तब P0 है प्रेशर और A0 है हमारा कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, A का कॉन्सेंट्रेशन A0 है. एंड T1/3 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पोटेंशियल फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू रीच 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. जैसे T½ में पता है कि 50% कंप्लीशन का टाइम है, वैसे T1/3 का वैल्यू ऐसे दिया गया है. So the correct option is an R. हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है. ln 3 P0 - PT versus टाइम का एक ग्राफ दिया गया है जिसका नेगेटिव स्लोप है. T1/3 versus A0, ln P0 - PT versus टाइम, एंड K means रेट कॉन्स्टेंट versus इनिशियल कंसेंट्रेशन A0. ओके सो अभी आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का. जो भी इंपॉर्टेंट हमें दिया गया था, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें दिया गया था, मैंने सबको शॉर्ट में लिख लिया. यहाँ पे T = 0 था तब प्रेशर वॉज P0, जब T = T था तब प्रेशर हो गया PT, एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A वॉज A0, एंड T1/3 वॉज द P0/3, एंड N मीन्स ऑर्डर वॉज 1. ठीक है, तो मैंने सब कुछ शॉर्ट में लिख लिया इसको. अब हम सोल्यूशन पे चलते हैं. देखिए, जब टाइम वॉज T0, टाइम वॉज 0, प्रेशर वॉज द इनिशियल प्रेशर वॉज P0. इनिशियल प्रेशर मीन्स द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट विच इज ए. तब जब इनिशियल टाइम, मतलब जब रिएक्शन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, उस वक्त क्या होता है, कंप्लीट कंसेंट्रेशन जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है और प्रोडक्ट हमारे पास 0 में रहता है. पर जब वो रिएक्शन T = T, मतलब एफ्टर सम टाइम विच वी कैन नॉट से व्हाट वाज द टाइम, पर उस टाइम पे क्या हुआ, हमने देखा कि एक्स मोल्स डिसोसिएट कर गया. ठीक है, तो अगर यहां से एक्स मोल ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएट करता है तो डेफिनेटली ये 2x मोल क्रिएटेड होगा और C x मोल क्रिएटेड होगा, है ना. 1 मोल ऑफ A इज टर्निंग इंटू 2 मोल्स ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C. सो x mole of A will turn into 2x moles of B and x moles of C. इतना क्लियर हो गया. तो हमें अभी क्या करना है, हमारा टारगेट यही रहेगा कि ये जो x है इसको सिर्फ हमें ये x को एलिमिनेट करना है. ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन मतलब यही नहीं है, होता है कि बहुत ही टफ कुछ होगा. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से आधी चीज हमें लगेगा भी नहीं, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा इनमें से आगे आधी चीजों का. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप बताइए टोटल प्रेशर में एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एक रिएक्टेंट एक वेसल में
ए भी रहेगा तो ए एफ्टर टाइम टी क्या हमें मिलेगा, इस वेसल के अंदर ए भी रहेगा और प्रोडक्ट में बी और सी तीनों रहेंगे, तो टोटल प्रेशर इनसाइड द वेसल क्या होगा, डेफिनेटली इन सबका पार्शियल प्रेशर का एडिशन जो होगा वही टोटल प्रेशर इन द वेसल होगा एफ्टर टाइम टी विच इज पीटी। तो पीटी होगा क्या, पीटी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एफ्टर टाइम टी विच इज पी जीरो माइनस एक्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एफ्टर टाइम टी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एफ्टर टाइम टी, जिसका वैल्यू हमें मिल रहा है एक्स एक्स एलिमिनेट हो रहा है सो पी जीरो प्लस टू एक्स। ठीक है, हमें सिर्फ यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है, बस काम हो जाएगा, बस उतना ही करना है हमें सिर्फ। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, पी टी माइनस पी जीरो बाय टू। ओके, पी टी माइनस पी जीरो बाय टू। सो पी जीरो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा टू पी जीरो माइनस पी टी प्लस पी जीरो मीन्स थ्री पी जीरो माइनस पी टी बाई टू, यही आ रहा है ना। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू की यहां पे पुट कर देना है, बस काम हो जाएगा हमारा। सो 2.303 बाई के लॉग ऑफ पी जीरो बाई पी जीरो माइनस एक्स का वैल्यू है थ्री पी जीरो माइनस पी टी और टू ऊपर चला जाएगा ये, है ना। अब इसको हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा ऐसा कि टी इज इक्वल्स टू थ्री पी जीरो माइनस पी टी को हमें ऊपर लाना है और टू पी जीरो को नीचे लाना है, ऐसे एक इक्वेशन आएगा हमारा 2.303 बाई के लॉग ऑफ थ्री पी जीरो माइनस पी टी बाई टू पी जीरो, या आगे माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने इसको न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर किया और डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर किया है हमने। ठीक है, यहां से यहां पे आए हम, उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते माइनस 2.303 बाई के लॉग ऑफ थ्री पी जीरो माइनस पी टी प्लस 2.303 बाई के लॉग ऑफ टू पी जीरो, है ना। अच्छा, अभी हम तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा y t, ठीक है ये हमारा y है। अच्छा, यहां पे y है थ्री पी जीरो माइनस पी टी, तो इसके हिसाब से करते हैं, पहले इसको इधर लेके जाते हैं और उसको इधर लेके जाते हैं। सो 2.303 बाई के लॉग ऑफ थ्री पी जीरो माइनस पी टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ टू पी जीरो माइनस टी। हाँ, अब आ जाएगा, देखिए क्या होगा हमारा, यहां पे लॉग थ्री पी जीरो माइनस पी टी ये है हमारा वाई, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पार्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि y के आगे कोई टर्म नहीं रहता है, तो इस पार्ट को हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हम यहां पे इस वैल्यू को, इस वैल्यू से राइट साइड को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बोथ साइड को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें यहां पे मिलेगा, यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा, इसको हम डिवाइड करते हैं 2.303 बाई के से, हम पूरा इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा लॉग ऑफ थ्री पी जीरो
minus Pt would be equals to log of 2P0 minus T into K by 2.303. अब हो जाएगा, देखिए ये हमारा y है ना, ये हमारा y है, अच्छा ये k by 2.303 हमारा पास, हमारे पास m है, t हमारा x का वैल्यू है, x है t, और ये है हमारा c। इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा यहां से log 3p0 माइनस pt के साथ, अगर हम टेम्परेचर टाइम का अगर हम करते हैं ग्राफ, तो हमें एक ऐसा प्लॉट मिलेगा जहां पे स्लोप m इज माइनस k बाई 2.303 है ना, मतलब एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो जिसका स्लोप नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, स्लोप नेगेटिव रहेगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जस्टिफाइड हो गया। देखिए ये एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, तो उसके हिसाब से आपको ये वाला ऑप्शन जो डी है ये पहले ही हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना, सो के इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टाइम, सॉरी आई मीन टेम्परेचर, सो ए एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेज आर जीरो फॉर रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टी हाफ के साथ आर जीरो, जहां पे आर जीरो इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट and not r not means when time equals to, मतलब r is the reactant and not means when t equals to zero, okay, then in that case this is the initial concentration of the reactant, for the reaction is a straight line, ठीक है, parallel to the x axis, the unit of rate constant of the reaction is mole liter inverse second, liter mole inverse second inverse या फिर second inverse। अच्छा, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके ये क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया था केसी कर्नाटका सीईटी में 2018 का क्वेश्चन है ये, ओके, कर्नाटका सीईटी का 2018 का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में हमने पहले एक बार डिस्कस कर चुका, हमने पहले एक बार डिस्कस किया है इसके बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपने देखा था कि टी हाफ का वैल्यू क्या आया था, 2.303 बाय के लॉग ऑफ 2, ऐसा आया था ना टी हाफ का एक्सप्रेशन। तो आपको वहां से मैंने बताया था कि देखिए टी हाफ कभी इनिशियल कंसेंट्रेशन पे वहां पे डिपेंडेंट नहीं किया था, वहां पे क्वेश्चन ऐसा था कि रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को डबल किया गया है इनिशियल कंसेंट्रेशन को, पर टी हाफ अफेक्टेड नहीं है। So, आपको तभी बताया था कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पे प्लॉट आपको एक मिला है जहां जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस में इनिशियल कंसेंट्रेशन है और वाई एक्सिस में टी हाफ है, ये डेफिनेटली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी आपका यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, फॉर यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के लिए हम कैसे लिखते हैं इसको, कंसेंट्रेशन टू द पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। फर्स्ट वीडियो में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन का आंसर किया था, तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन वुड बी 1, सो कंसेंट्रेशन टर्म 1 - 1 वुड बी 0, सो कंसेंट्रेशन समथिंग टू द पावर 0 वुड बी 1, सो कंसेंट्रेशन टर्म वुड बी 1, सो द लेफ्ट ओवर वुड बी टाइम इनवर्स विच इज सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक कर्नाटका सीईटी का क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम जेई एडवांस 2016, ठीक है, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अरहेनियस इक्वेशन, ठीक है, अरहेनियस इक्वेशन कौन सा है ये, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। सो यहां पे बताया जा रहा है ऑप्शन ए, अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इम्प्लाइज ए फास्ट रिएक्शन, मतलब इन चारों में से हमें सही ऑप्शन ढूंढना है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो मतलब मल्टीपल आंसर्स है इसमें। तो ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इम्प्लाइज अ फास्ट रिएक्शन, देखिए आपको ये वाला ग्राफ याद है, ठीक है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी फास्ट रिएक्शन के लिए नहीं हो सकता,
अगर रिएक्शन को फास्ट होना है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी लो चाहिए हमें, है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है कोई रिएक्शन का, सो वी नीड टू गिव दैट रिएक्शन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट द रिएक्शन हैपेंस। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में जाने के लिए, ठीक है, ये बैरियर क्रॉस करने के लिए, है ना। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट इम्प्लाई फास्ट रिएक्शन, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है यहां पे। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन है द रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस। रेट कॉन्स्टेंट मीन द वैल्यू ऑफ की इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज करता है। सही है, हमने पढ़ा था ये चीज कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, मतलब अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो एक रिएक्शन का रेट 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज करेगा डेफिनेटली। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेटली। देखिए ये कंसेप्चुअल पार्ट है, मतलब जब रेट टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स में मतलब जनरली क्या होता है, उनका कलिजन नंबर ऑफ कलिजन इंक्रीज कर जाता है। जितना ज्यादा नंबर, हमें कॉलिजन थ्योरी से हमने ये सीखा था कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन जितना इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, है ना। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। देखिए मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, डिपेंडेंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए इन दैट केस अगर हम इसको रेट कॉन्स्टेंट को विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है यहां पे, 1/k dk dt इज इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है और यहां पे ईए बाई आर टी जो यहां पे डिफरेंशिएशन में आ जाएगा ईए बाई आर टी स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है साफ कि अगर यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली के का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डीके डीटी इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी सही है। ओके, सो द लास्ट ऑप्शन इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच कॉलिजन्स ऑकर। देखिए ये डेफिनेटली एक करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि देखिए यही फ्रीक्वेंसी है ना, द रेट एट विच कॉलिजन ऑकर्स। ठीक है, यहां पर टाइम डिपेंडेंट भी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब यूनिक टाइम में जो होता है, पर इसको ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है दिस इज रिलेटेड टू द कॉलिजन्स, सो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी राइट है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। ओके, सो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, टफ नहीं था ये क्वेश्चन भी, एक कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन था, सो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस 2013। ठीक है, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है जहां पे हमें एक रिएक्शन दिया गया, बोला कि इन द रिएक्शन पी प्लस क्यू टू आर प्लस एस, ऐसा एक रिएक्शन दिया गया है, द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए पी के रिस्पेक्ट पे यहां पे बताया जा रहा है 75% जो है इज ट्वाइस देन द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन ऑफ पी, मतलब 50% के लिए जो टाइम लग रहा है वो और जो 75% के लिए जो टाइम लग रहा है उनका जो रेशियो है वो है 2:1। ठीक है, सो द कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू वेरीज विद द रिएक्शन टाइम एज शोन इन द फिगर। यहां पे एक फिगर दिया गया था, बोला जा रहा है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू है वो टाइम के साथ ये फिगर के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है, दिस इज द फिगर वेयर द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको यहां पे एक हिंट दिया है, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद कोशिश कीजिए इस वीडियो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, मैंने जानबूझ के आपको यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट इन बाय योरसेल्फ।
ठीक है, तो मैं आगे करता हूं अभी, आप वीडियो को पॉज करके इसको कोशिश कीजिए इसको करने का। देखिए ये इसको करने का जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है। हमें पता है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसेंट्रेशन जो होता है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि जो हमारा अगर कोई भी रिएक्शन कोई रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर में है ना, तो उसका जो कंसेंट्रेशन है, जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो उसके साथ अगर टी का प्लॉट करे तो उसका स्लोप होता है माइनस के, जो है ये। सो इस प्लॉट को देख के ही हमें पता चल जा रहा है कि द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। तो हमें सिर्फ पी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है निकालना है। सो ये आपको याद रखना है, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं कि द टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस देन द टाइम टेकन फॉर 50%। ये जो आपका कंडीशन दिया जा रहा है ना, ये कंडीशन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए दिस इज द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये पार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फॉर 75% क्या होता है, T3/4 इक्वल टू 2.303/k लॉग ऑफ A0/A0-3/4A0 विच विल कम A0/4, ठीक है ना। ये हमारा 3/4 कंप्लीट हुआ है, मतलब 1/4 रह गया है हमारे पास, ठीक है। अगर आप यहां पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब अगर आप T1/2 T3/4 करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा, देखिए इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 4:2, मतलब 2:1, ठीक है, जो यहां पे दिया गया है। टाइम टेकन फॉर 75% ऑफ द रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस देन ऑफ देन दैट ऑफ 50%, मतलब 75% के लिए जो रिएक्शन होता है, ओके ओके, तो 75% के लिए जो रिएक्शन होगा दैट इज ट्वाइस देन ऑफ देन दैट ऑफ T½, ठीक है। T1/4 A0/A0/2 मतलब 2A0/A0 ऊपर 2 है, यहां पे ऊपर 4 है, तो T½:T⅓ आएगा 2:4, हाँ ठीक है, यही आएगा। सो यहां से आपको पता चल रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू पी रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पी रेट वुड बी के रेट कॉन्स्टेंट P^1 Q^0, सो द ओवरऑल रेट वुड बी फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर वुड बी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। 1+0=1, ठीक है, सिंपल सा था ये भी बहुत। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना अगर मैंने कुछ ऐसे रिसेंट ईयर का ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है जो मैंने मिस किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आज इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो केमिकल बॉन्डिंग पे होगा, सो उसे भी जरूर देखिएगा, वो जरूर आपके लिए लाइक हेल्पफुल होगा लाइक दिस वीडियो। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।